कि विश्वास जो है वो मेरा मेरा और मेरी पत्नी के बीच में मेरा विश्वास है कि नहीं, मेरा मेरे बच्चों के बीच में विश्वास है कि नहीं। मैं एक 2-3 मिनट में अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक अपना ही एक उदाहरण लेता हूँ, शायद पता नहीं लिया गया कि नहीं लिया गया। जब मैं इस कोर्स के से गुजर रहा था तो एक बात ये कही गई कि विश्वास जो है वो आधार मूल्य है। दो संबंधों के बीच में यदि विश्वास नहीं होगा तो संबंध फलीभूत होते ही नहीं है, हो ही नहीं सकते। तो ठीक है, ये कोई ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं जो समझ में ना आए, पर दूसरी बात बार बार ये कहते थे कि भाई जांच के देखना है, मानना नहीं है, जांच के देखना है। तो मैंने जांचा तो मैंने कहा मेरी पत्नी के साथ बढ़िया है, बच्चों के साथ मैंने कहा अच्छा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दोस्तों के साथ तो खैर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर मैंने जो मेरे साथ में जो लोग काम करते थे उनके साथ भी देखा, तो कलेक्टर उसमें राधे श्याम जुलानिया होते थे, तो उनके साथ भी विचार किया और देखा भाई बड़ा बढ़िया चलता है, नीचे जो मेरे साथ लोग काम करते थे बड़ा अच्छा है, देखा ठीक है, मुझे लगा भाई ये मामला ठीक। तो सूचना के स्तर पे आ गया, फिर कहा गया कि भाई इसको जांचना है। तो जांचना है तो मैं उस समय मेघनगर एक जगह है झाबुआ में, तो जहां पर तो मेघनगर से हम लोग गाड़ी पे आते थे, मैं और मेरी पत्नी। तो उस समय हम लोग आते थे, सुबह जाते थे, कोर्स करते थे, लंच में वापस आते थे, और बच्चे स्कूल से आते थे उनको लेकर के वापस हम लोग जाया करते थे, कोई 20-1 किलोमीटर का दूरी होगी। तो मैंने कहा मुझे बताया गया था कि जांचना है, मैंने कहा जांच लेते, इसमें कौन सा बड़ा काम। तो जब हम आते थे तो मैं फिर गाड़ी ड्राइव करता था, जीप होती थी, मेरी पत्नी बगल में आती थी, हम लोग आपस में बात करते आते थे, और जो हमारा ड्राइवर था उसका नाम पूना नाथ योगी था, वो बच्चों के साथ बैठ जाता था। तो जब बैठने लग गए गाड़ी में तो मैंने कहा तुम पूना तुम गाड़ी तुम चलाओ, मैं बच्चों के साथ बैठता हूँ। तो बैठ गए, बच्चे बोले पापा आप हमारे साथ बैठेंगे, मैंने कहा नहीं बैठ सकते क्या, उन्होंने कहा नहीं नहीं क्यों नहीं, बैठ गए। तो गाड़ी चली तो मैंने मेरी बेटी से पूछा कि अब तो वो 30 साल की है, पूछा कि बेटा कैसे चल रहा है तुम्हारी पढ़ाई, ठीक चल रही है पापा। फिर मैं कहा तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, ठीक है पापा। अब इसके बाद मेरे पास उनसे कुछ पूछने के लिए प्रश्न नहीं था, क्योंकि तो उनके जो कौन दोस्त हैं क्या बातें होती हैं मेरे कोई ध्यान में नहीं था। फिर मैंने जो है अपने बेटे से पूछा, है ना, वो बेटा भी अब 27-28 साल का है, डिफेंस में है, दोनों बच्चे डिफेंस में ही है। उसे पूछा कि बेटा कैसा चल रहा है कनिष, बाबा अच्छा है। तो मैंने कहा दोस्त ठीक है तुम्हारे, उन्होंने कहा ठीक है। अब उसके बाद की जो करीब 20-22 किलोमीटर की यात्रा है वो मेरे जीवन की सबसे लंबी यात्रा थी। मैं ये मान के चल रहा था कि मेरा मेरे बच्चों के साथ बहुत अच्छा संबंध है, परंतु वो बच्चे भी चुप हो गए, क्योंकि हमारी जैसी आदत है तो करीब महीने 2 महीने में एक बार ठीक से डांट देना, 6-8 महीने में एक बार हाथ उठा देना, तो जैसा हमारा अपने पीछे से होता आया, तो ये दिखाई पड़ा कि अभी तो मेरा मेरे बच्चों के साथ ही संबंध नहीं बन पाया, और मेरे प्रेजेंस में वो जो है सहज नहीं हो पा रहे, आपस में जो बातचीत करते थे खेलते कूदते जाते थे वो भी बंद हो गया। तो बात तब मेरे समझ में आई, जिसको समझ में आना कहते हैं। तो ये तो बात सूचना के रूप में आ गई थी कि विश्वास सबसे बड़ा संबंध है, और मैं मान के बैठा था कि मेरा तो विश्वास है ही। पत्नी के साथ तो मैं फिर उसके बाद पूछने की हिम्मत ही नहीं कर पाया कि पत्नी से भी पूछ लूं कि तुम्हारा भरोसा मुझ पर है कि नहीं। और ये बात करीब 3 साल बाद मैं फिर कर पाया, हम मेरी पोस्टिंग उज्जैन में हो गई, उज्जैन में कभी ये बात मुझसे पूछ पाया कि भाई आपको मेरे पे भरोसा है विश्वास है कि नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं मेरा आप पर विश्वास है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, उनको भी दिक्कत थी, उन्होंने भी मुझसे पूछा। तो बच्चों के साथ फिर धीरे धीरे मैंने अपने फिर आचरण को सुधारा, व्यवहार को सुधारा, और लोगों के साथ भी सुधारा, जो समाज में परिवार में जो लोग थे। तो मेरे जो छोटा भाई है कुछ दिक्कत हो गई थी परिवार में, तो उससे उसके साथ जो है वो कुछ दिक्कतें हुई, फैमिली प्रॉब्लम्स थी, तो वो कहीं और छोड़ करके मेरी सिस्टर के पास भुवनेश्वर चला गया था। तो उस समय फिर मेरी पत्नी ने जो है फिर उसको फोन किया, और तब तक बातचीत कुछ घर भी बंद थी, तो उन्होंने फोन किया और भैया करके बुलाया, उसको बुलाया, फिर वो जेल में आए। तो वो सब तो गिर गया, मतलब गिर जाना कहते हैं, आदतें जो है यहाँ पर छूटती नहीं है, छोड़ती नहीं, गिर जाती है। तो धीरे धीरे मेरा व्यवहार में परिवर्तन हो गया, कुछ कुछ मतलब खासकर परिवार में इधर उधर, और फिर यदि कुछ ऑफर वगैरह आता था तो उसको मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं भैया अब ये सब ठीक ठाक हो गया, ऐसा हो गया। तो मुझे किसी ने बताया कि किसी ने ऐसा कमेंट किया, और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है इसलिए ऐसी बात कह रहा हूँ, कि किसी ने कमेंट किया मेरे को कि 900
चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो कहीं बात आई तो फिर ऐसे ही बैठे बैठे मुझे आया, मैंने कहा ठीक बात है भाई, कुछ अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास तो कर रहा हूँ और उसमें समय लगता है। तो कभी वो मित्र भी बैठे हुए थे जो साथी थे, मित्र भी नहीं साथी भी नहीं थे, कहीं कुलीग थे। तो फिर वहीं पर मैंने बात को उठाया, तो मैंने कहा भाई कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो वो मतलब 900 चूहे अब वो नहीं खा रही है इस बात पर आपत्ति है, या वो हज को जा रही है इस बात पर आपत्ति है। तो यदि बिल्ली जो है वो हज को जा रही है तो क्यों आपत्ति होनी चाहिए? तो आप लोगों में भी जो कुछ परिवर्तन आएंगे, कुछ कुछ मुझे ऐसा अपेक्षा है कि आएंगे, काफी लोगों में आने चाहिए, तो आपके पास भी शायद इस प्रकार के कमेंट्स आ सकते हैं कि भैया क्या हो गया, है ना, भैया बड़े बदले बदले दिख रहे हो, है ना, तुम्हारा व्यवहार कुछ बदल सा गया है। तो हो सकता है इस प्रकार की बातें आए, और जिनका कोई आचरण बहुत बिगड़ा हुआ हो उनको तो, और बहुत सालों से बिगड़ा हुआ हो, वो उनको तो ठीक होने में मतलब आप ठीक, आप भले ही एक दिन में हो जाइए, पर वो यदि 10 साल तक किसी के साथ व्यवहार में आप बिगड़े रहे हैं तो उसको 10 महीने तो लग ही जाएंगे एश्योर करने के लिए कि नहीं आप ठीक हो रहे हैं। तो जो परिवर्तन आएंगे उस पर बहुत सारे कमेंट्स भी आएंगे, उसको भी आप विनम्रता पूर्वक ही लीजिए, है ना, और बता सकते हैं कि हाँ कुछ कुछ सुधा। और आप बताइए कि इस प्रकार का यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का एक कोर्स मैंने किया है, उसमें अपने अपने आप का स्वयं का मूल्यांकन किया है। मूल्यांकन करने के बाद मुझे ऐसा दिखने लग गया कि मेरी कुछ कमियां हैं, मेरे में कुछ खामियां हैं, मेरे में कुछ गलतियां हैं, और आप भी करना चाहें तो आप भी करिए। तो जहां से हमारा कुछ सुधार होने की संभावनाएं हो रही हैं, वहां पर हमको ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों को भी जोड़ना चाहिए, और जितना हमको सूचना मिली है और समझ में आया है, आचरण में आ गया है, उसके बारे में दूसरों से बात भी करनी चाहिए, है ना, अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। और शिक्षक के रूप में तो मतलब हम सबकी आदत शिक्षा देने की है ही, तो उस काम को भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे छोटी सी बात और याद आ गई, इसलिए मैंने वो शेयर कर लिया, धन्यवाद भैया। जी, इसपे सावधानी ये रखना होगा कि अगर हमारे आचरण में अभी जितना आया है उतना ही बात रखें, ज्यादा ना रखें उसमें, नहीं तो लेक्चर और प्रवचन जो है वो तो बहुत लोग देते हैं वो तो मैंने बताया मेरा उज्जैन का अनुभव, जी जितना हाँ मैं दोबारा कहता हूँ, समझ में आया है, आचरण में आया है, लोग कह रहे हैं कि हाँ आपके आचरण में आ गया है ना, वो उतनी ही बात करें, फिर बता दें कि साहब इतना इस कारण से हुआ है, थोड़ा सा कुछ इसके बारे में अध्ययन का काम चल रहा है, उतना बता दें, है ना, जी जितना कुछ आपने सीखा है उतना सबके ऊपर जो है वो उढ़ेल ना दें, इस बात का बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा।